स्टूडेंट्स वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट्स आज हम लोग मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका एक्सरसाइज 2.2 का। क्या ध्यान दीजिए, फाइंड दी को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट जो ये को फैक्टर्स यहाँ पे जो फाइंड करने बोला, को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इंजीनियरिंग। इन द इंजीनियरिंग क्यों बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये को फैक्टर जो है एज इट इज आपको इंजीनियरिंग के मैट्रिसेस का जो चैप्टर है उसके अंदर भी आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आज हम लोग ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो हमारा इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है मैट्रिसेस के को फैक्टर का, वो हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखना आपको कि हम लोग जो लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.1 का फैक्टर पढ़े थे, दैट इज कॉल्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों था स्टूडेंट, क्योंकि अभी आने वाले वीडियो के अंदर मैट्रिसेस के जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा अपडेटेड पार्ट है। अपडेटेड पार्ट क्यों है, क्योंकि अभी हम थोड़े टाइम के बाद या थोड़े जब भी अगला नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे तो उसके अंदर हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। इनवर्स निकालेंगे जब, तो वहां पे आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले रोल करने वाला है। क्यों रोल करेगा, क्योंकि जब हम इनवर्स का पार्ट निकालते हैं तो उसके अंदर एडजॉइंट मेथड आता है। अब एडजॉइंट मेथड क्या है वो हम लोग आज 100% देखने वाले हैं। अब एडजॉइंट मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो 100% एडजॉइंट मेथड से कब समझेगा, जब आपको को फैक्टर समझेगा। देखिए एक दूसरे का रिलेशन कैसा है, को फैक्टर अगर आपको समझ जाता है, 100% अगर आपको को फैक्टर समझ में आता है तो आपको 100% एडजॉइंट समझ में आ जाएगा। अगर एडजॉइंट आपको पूरी तरह से 100% समझ में आता है तो इनवर्स का एक पार्ट समझ में आ जाएगा। अब इनवर्स का एक पार्ट क्या है स्टूडेंट, क्योंकि इनवर्स जो है ए इनवर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस ए दिया हुआ है तो वहां पे मैट्रिसेस अगर ए निकालने तो वहां पे आपको बोलेगा ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको एडजॉइंट मेथड, एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट मेथड। ए इनवर्स निकालने का एक प्रोसेस है एडजॉइंट मेथड से और डिटरमिनेंट। अब देखिए डिटरमिनेंट का भी यहाँ पे पार्ट आपके है। अगर डिटरमिनेंट आपको धीरे धीरे वो भी मैं आपको बताऊंगा आज को फैक्टर के साथ के डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। अब ए इनवर्स का जो प्रोसेस है वो एडजॉइंट मेथड से पहले हम लोग निकालेंगे। सेकंड प्रोसेस जो है, जो हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम लोग निकालने वाले। स्टूडेंट्स आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर या फिर मे भी आज के वीडियो के अंदर हम लोग वो पोर्शन पूरी तरह से देखने वाले हैं कि इनवर्स का जो मैट्रिक्स है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज के एक्सरसाइज 2.2 के मैट्रिक्स के चैप्टर से। फाइंड दी को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट एक चीज आपको दिमाग में रखने का कि जब भी हम लोग को फैक्टर का पॉइंट हम लोग यूज करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे उसका, तो आपको देखिए मैक्सिमम आपको 2 से 3 का आपको क्वेश्चन, 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 into 2। अब ये 2 into 2 क्या है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2। मीन्स क्या पता चला कि जो रो रहेगा और कॉलम रहेगा वो 2 और 2 बाई का रहेगा। 2 और 2 क्या रहेगा कि नंबर ऑफ रोज 2 रहने वाले और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 ही रहने वाले। फॉर एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं बात करूंगा 3, 2, 4, 5। ओके, फॉर एग्जाम्पल के बेसिस अगर मैं ये आपको समझ में आ जाएगा तो ये 100% समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया, सेकेंड एग्जाम्पल की जो मैं बात करूंगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा 3 into 3। इससे क्या समझ में आ रहा आपको कि जो रो रहने वाला है नंबर ऑफ रो 3 रहने वाले और कॉलम कितने रहने वाले 3, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फॉर एग्जाम्पल के बेसिस पे यहाँ मैंने सेकंड एग्जाम्पल ली। अब इसका आपको मान लीजिए ये 2 टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट जो 2 रोज एंड 2 कॉलम हो सकते हैं। सेकंड टाइप क्या है, 3 रोज और 3 कॉलम। यही 2 टाइप का आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा और मैक्सिमम चांसेस स्टूडेंट्स की ये टाइप का आपको एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाते हैं। सिर्फ आपका एलिमेंट चेंज कर दिया जाएगा, एलिमेंट्स मीन्स यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे समथिंग कुछ और वैल्यू आएगा। तो एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ लेते हैं तो एवरी क्वेश्चन आप यही मेथड से सॉल्व करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। समझ में आया, तो हमारा पहला आंसर देखिए यहाँ पे, हमारा पहला आंसर क्या हम लोग सॉल्व करेंगे, पहला आंसर आपको सॉल्व करने का है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था, हमको सबसे पहले क्या करने का है, इसको कंसिडर करने की मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू -1, -1, -2, -3, 4। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो जो है नंबर ऑफ रो 2 and 2 के रूम में, मीन्स 2 into 2, मीन्स नंबर ऑफ रो अगर 2 है और कॉलम भी 2 है तो वो मेथड सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, थोड़ा सा उसका लेवल अलग है। लेकिन जब 3 into 3 आएगा तो उसका लेवल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। वहां पे आपको डिटरमिनेंट का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए ये है तो इसको कंपेयर किससे करना है, कंपेयर यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोसीजर में लिखना है कंपेयर विथ,
कंपेयर विथ किससे करेंगे, ए इज इक्वल टू ए 11, ए 12, ए 21, ए कितना आएगा स्टूडेंट्स, ए 22 आएगा। समझ में आया? अभी देखिए यहां पे कितने एलिमेंट थे, यहां पे देखिए अब एवरी एलिमेंट्स को, एवरी एलिमेंट्स मीन कितना एलिमेंट दिया, 1 2 3 4। यहां पे जो कंपैरिजन किया मैंने ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 स्मॉल में ही आपको लिखने का, क्योंकि अगर आप बिग में लिख रहे ये जो लेटर है, ये जो लेटर है अगर यहाँ पे जो ए है वो कैपिटल में अगर आप लिखते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अभी देखिए कंपैरिजन जब मैं किया तो क्या आ गया, ए 11 इज इक्वल टू इसकी जगह क्या लिखा, -1। ओके, ए 12 इज इक्वल टू कितना है, ए 12 इज इक्वल टू कितना है, 2। ए 21 इज इक्वल टू कितना है, -3। ए 22 इज इक्वल टू कितना है, 4। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, कुछ भी डाउट नहीं आएगा। देखिए डाउट आपको लेना नहीं है, डाउट अगर आप कंफ्यूजन में लेके चलेंगे तो स्टूडेंट बार बार मैं बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करना चाहेंगे उनको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ के लेना है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जो टीचर्स रहते हैं प्रोफेसर रहते हैं वो 100% आपको कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको क्या लगता है आप 11th 12th में पढ़कर आए होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप टॉपिक अच्छे से समझेंगे, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अभी देखिए को फैक्टर निकालना है, तो को फैक्टर निकालने से पहले आपको मैट्राइसेस का माइनर मालूम होना जरूरी है, मीन्स माइनर का जो रिलेशन है वो को फैक्टर से रिलेशन है। अभी देखिए माइनर कैसे निकलेगा, M11, M डेट इज कॉल्ड माइनर, समझ में आया? तो अब आपको M11, अब देखिए M11, A11 कौन सा था, ये टॉपिक था, समझ में आया? अब देखिए इसके अपोजिट में जो रहेगा ये कब हम लोग देखेंगे, जब 2x2 मैट्रिक्स की बात करेंगे, M11 की बात कर रहे हैं, मिस M11 ये है, तो इसके अपोजिट में जो पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड M11 हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, A11 कौन सा है, ये है, तो इसके अपोजिट में देखेंगे जो एलिमेंट्स आएगा दैट इज कॉल्ड M11, ये कब होगा, जब 2x2 मैट्रिक्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम 2 रहने वाले। लेकिन अगर इस टाइप का एग्जाम्पल आएगा तो ये रूल पूरी तरह से चेंज होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझ में आया? मैं ओनली 2 क्वेश्चन आपको लूंगा और ये क्वेश्चन मैं आपको 100% बोल रहा हूं को फैक्टर का आपको पूरी तरह से समझ में आने वाला है, ठीक है। M11 हो गया, अभी किसकी बात करूंगा, M12 की बात करूंगा, M12। अभी देखिए 12 कौन सा है, ये पार्ट है, इसके अपोजिट में क्या है, -3, दैट इज कॉल्ड -3। समझ में आया M12, उम्मीद करता हूं M12 भी समझ में आ गया होगा। अभी सेम प्रोसीजर M13 पे, M13 तो है नहीं, अभी देखिए M13 कब आएगा, जब ये वाला रोज आने वाला है, समझ में आया? अभी देखिए क्या आएगा उसके बाद, M21। अब 21 कौन सा, ये, इसका अपोजिट कौन सा है, 2, दैट इज कॉल्ड M21। समझ में आया? अभी देखिए माइनर अगर निकालेंगे तो को फैक्टर इजी से निकलने वाला है, ठीक है, M21 हो गया। अभी देखिए ये क्या है, M22। अब M22 का अपोजिट क्या है, M22 का अपोजिट है -1, यहां से माइनर निकल गया। अब आप लोग पूछेंगे सर माइनर तो निकल गया, को फैक्टर का रिलेशन माइनर से क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए यहां पे को फैक्टर अब हम लोग निकाल ले, जो एग्जाम के अंदर, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, को फैक्टर ऑफ A11। अब मैं देखिए आपको ये बताते हुए चल रहा था कि यहां पे स्मॉल लिखेंगे तो उसका मीनिंग अलग है, कैपिटल लिखेंगे तो उसका मीनिंग अलग है, अगर कैपिटल ए लिख रहे दैट इज कॉल्ड को फैक्टर। समझ में आया? अब A11 का को फैक्टर निकाल लेगा, आपको क्या निकाल लेगा, A11 का, ध्यान दीजिए कैसे निकाल लेंगे, -1 हमेशा बाय डिफॉल्ट जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक आने वाला है, ये क्वेश्चन का रूल है, -1। अभी देखिए यहां पे कितना है, 1 1, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 1+1, क्या लिखेंगे, 1+1 इनटू ये डॉट दैट इज कॉल्ड इनटू, इनटू क्या है, M11, यहां पे A11 है दैट इज कॉल्ड M11। समझ में आया? यहां पे इनटू की जगह आप क्रॉस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहां क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। समझ में आया? अब A11 एज इट इज रहने वाला है। अब -1 ये कितना हो गया, 1+1 कितना हो गया, 2, इनटू M11 की वैल्यू क्या है, 4, M11 की वैल्यू क्या है, 4, मल्टीप्लाइड की साइन है यहां पे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पे और क्या है, -1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 1, ये ध्यान में रखना आपको, यहां पे वैल्यू चेंज होगी तो वो ध्यान में रखना है। अगर इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर दैट इज कॉल्ड 2 4 6 8, अगर ये सब आ रहे हैं तो यहां पे जो माइनस का जो पावर रहेगा वो पूरी तरह से प्लस में कन्वर्ट होगा, ये दिमाग में आप रख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आते तो। अगर ऑड नंबर आ रहा है 1 3 5 7 9 समथिंग, जो भी ऑड नंबर में है, अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहाँ पे 1 जो है वो माइनस में ही रहेगा, यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस में ही आएगा। समझ में आया? आप यहाँ पे कितना आ गया हमारी वैल्यू, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना, A11 कितना आ गया, 4 हो गया, डेट इज योर फाइनल आंसर ऑफ A11। समझ में आया? अब सेम क्या निकालेंगे, A12 का निकालेंगे, यहाँ पे प्रोसीजर A12 का निकालेंगे तो A12 का क्या होगा,
देखिए ये को फैक्टर A11 का हुआ, समझ में आया। A12 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे कितना है, वन और टू है, तो वन प्लस टू इन टू एम माइनर किसका लेंगे, M12 का लेने वाले अभी, अभी समझ में आया। माइनस वन अभी थ्री, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए अभी चेंज कैसा होगा, इन टू M12 की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री। स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ा सा बिग होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। बड़ा क्यों होने वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो मैं आपको वही बार बार बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग लाइन का जो टॉपिक है बहुत ही इजी से निकलने वाला है। आप वो जब भी, क्योंकि ये वीडियो आप जब भी देखेंगे आपको तुरंत कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था, इसको ऐसा पढ़ाया था, समझ में आया। माइनस वन का अगर देखिए क्यूब अगर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन ही आने वाला है। इनटू इनटू कितना है, माइनस थ्री, ये भी माइनस थ्री। अभी देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और थ्री इंटू थ्री क्या आ गया, A12 आ गया, समझ में आया। सेम प्रोसीजर आपको देखिए यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ पे जो टू इंटू टू का पार्ट लिखा हूं मैं इसको रब कर रहा हूं अभी। अभी देखिए उसके बाद A11 हो गया, A12 हो गया, सेम क्या आएगा, A21 आएगा, M12 हो गया, A21। अब A21 का मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, A21 का जो हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं कोफैक्टर, वो क्या रहेगा, माइनस वन का, सेम जैसे टू वन यहाँ पे वन टू था, सेम यहाँ पे टू वन का होगा। टू वन कितना जाएगा, थ्री इन टू। अब देखिए इन टू जब मैं लिखा तो उसके बाद क्या आने वाला है, 21 का माइनर आएगा। 21 का माइनर कितना है, यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली एक स्टेप बढ़ा के लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए अब A21 का कितना हो जाएगा, A21 का ये माइनस वन का क्यूब करेंगे कितना आएगा, माइनस वन इन टू M21 की वैल्यू कितनी है, टू है। अब यहाँ पे टू तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस टू, समझ में आया। ऐसे ही कोफैक्टर को निकाला जाएगा। अब A21 के बाद क्या आएगा, A22। अब A22 का देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन एज इट इज लिखना आपको, टू प्लस टू, क्योंकि यहाँ पे देखिए टू प्लस टू है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, इन टू M22, क्योंकि यहाँ पे A22 निकाल रहे हैं तो M22 की बात करूंगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ A22 का, क्या यहाँ पे माइनस वन का यहाँ पे जब फोर हो जाएगा तो वन हो जाएगा, और M22 का कितना है, देखिए यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस वन रेस टू फोर इन टू M22 की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। अब या अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर निकालना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप माइनर नहीं निकालते तो को फैक्टर 100% नहीं निकलने वाला है। और अगर आपको ये को फैक्टर समझेगा तो ही एडजॉइंट मेथड आपको समझने वाला है। एडजॉइंट मेथड के अगर आपको समझना है तो ये को फैक्टर आपको समझना मस्ट है, मस्ट मीन्स 101% आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे A22 क्या आ जाएगा, अभी A22 देखिए माइनस वन, और ये माइनस वन लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि ये माइनस रेस टू फोर, माइनस रेस टू फोर का कितना हो जाएगा, मैंने आपको एक चीज़ बताया लॉजिक चीज़ से याद रख सकते हैं, पावर अगर यहाँ पे टू से अगर डिवाइड हो जा रहा है, पावर अगर टू से डिवाइड हो जा रहा है तो ये माइनस वन जो रहेगा वो आएगा प्लस में, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। अगर पावर टू से डिवाइड नहीं हो रहा, इफ पावर डिवाइडेड इज नॉट बाय टू, अगर पावर जो है टू से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे माइनस वन जो है एज इट इज माइनस वन रखेंगे। ये आप लॉजिक से भी याद रख सकते हैं, उतना ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये लॉजिक याद रखना जरूरी है। अभी देखिए पावर इवन है, मीन्स ये जो है वन आएगा, माइनस का वन आ जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में आएगा, तो वन वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ A22। देखिए हमारा क्या निकल गया, A11 को फैक्टर निकला, A12 निकला, A21 निकल गया, यहाँ पे A21 यहाँ पे निकला और A22 निकल गया। दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम मीन्स टू रो टू कॉलम का अभी हम लोग देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम के बेसिस पे लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं थर्ड रो और थर्ड कॉलम का पूरी तरह से बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड यहाँ पे जो हमारा 3x3 का यहाँ पे मैट्रिक्स है, 3x3 मीन्स जो रो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 दिया हुआ, एंड कॉलम भी नंबर ऑफ जो दिया हुआ है वो भी 3 दिया हुआ, नंबर ऑफ कॉलम जो वो भी 3 दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट सेम प्रोसीजर जो हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताया कि 2x2 का था वैसा ही होने, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। माइनर चेंजेस क्या है, उसमें हमारा जो 2x2 का था डायरेक्टली हम लोग अपोजिट ले लेते थे, वहां पे हमारा माइनर निकलता था, लेकिन को फैक्टर जो निकालने सेम वो प्रोसीजर को फैक्टर का जैसा उसमें था सेम प्रोसीजर इसमें होने वाला, लेकिन माइनर के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। अभी देखिए यहाँ पे यहाँ तक आपको सेम लिखने का है, कंपेरिजन का यहाँ पे वैल्यू अगर अलग अलग आ जाएगी। A11 की वैल्यू क्या है, 1 हो गया। A12 की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे A12 की वैल्यू क्या है, माइनस वन हो गया। ओके यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है, A13 की वैल्यू क्या है, A13 मीन्स यहाँ पे अभी देखिए 2 हो गया। ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि ये जो लेटर है वो स्मॉल में ही आना चाहिए, अगर वो कैपिटल में आया तो यहाँ पे पूरा रूल चेंज हो जाएगा, वो कोफैक्टर का रूल आता है, डेट इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा।
जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वही पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये स्टार्ट के अंदर जब भी आप कंपैरिजन करेंगे वो स्मॉल में ही लिखेंगे। समझ में आया? A11, A12, A13 हो गया। उसके बाद A21 कितना दिया हुआ है? -2। उसके बाद A22 कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है। A23 कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 5 दिया हुआ है। समझ में आया? अभी देखिए A31 कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सेम एज इट इज लिखेंगे, -2। A32 कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू लिखा है एज इट इज आपको लिखना है, कुछ भी आपको नया नहीं करने का है। A33 कितना दिया हुआ है? A33 कितना दिया हुआ? -1। आप देखिए यहाँ से अपना माइंड खेल चालू होता है, यहाँ से जो अपना रोल चालू होगा यहाँ से चालू होगा। क्या चालू होगा? अब इसके बाद हम लोग क्या किए थे पिछले क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर माइनर निकाले थे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हमको माइनर निकालने का, M11 का निकालने का। समझ में आया? अभी देखिए करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। M11 मीन्स इसकी बात होगी। अभी देखिए स्टूडेंट्स करना क्या है आपको, यहाँ पे सबसे पहले प्रोसीजर देखिए, मैं यहाँ पे उसका बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है? तो ये एलिमेंट्स में इसके जितने भी लाइन है और इसके नीचे की जितने भी लाइन है वो आपको ड्रॉप कर देने का, ड्रॉप मीन्स उसको छोड़ देने का है। मीन्स इसकी बात हो रही है, ये वाला पूरा एलिमेंट्स और ये वाला पूरा एलिमेंट्स, मीन्स उसके अपोजिट में जो जितना भी नीचे उसके आपको नीचे वर्टिकल में जो भी वर्टिकल, मीन्स यहाँ पे आपको जितना भी नीचे आने का, वर्टिकल मीन्स नीचे आने की बात कर रहा हूँ, टॉप में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके नीचे आने का और इसके राइट साइड में जितना भी एलिमेंट्स है ये छोड़ देने का आपको। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? देखिए जो भी एलिमेंट्स की बात होगी उसके तो आपको नीचे आना ही है, नीचे आना ही है। अगर नीचे एलिमेंट से तो नीचे आना है, ऊपर एलिमेंट से तो ऊपर आना है। अब देखिए इसके ऊपर है क्या? नहीं है, मीन्स आपको नीचे ही जाना है। समझ में आया? अब वो एलिमेंट्स के लेफ्ट में क्या? नहीं है, मिस राइट में ही जाना है आपको। समझ में आया? 90 डिग्री की ही बात करूंगा मैं। देखिए ये भी 90 डिग्री पे जाएगा, ये भी 90 डिग्री पे जाएगा, यहाँ पे डेट इज कॉल 90 डिग्री बन रहा है। समझ में आया? अब देखिए ये एलिमेंट पूरा चले गया तो अभी हमारे पास बचा कौन सा, ध्यान दीजिए ये चीज, ये एलिमेंट हमारा चले गया और ये एलिमेंट चले गया, क्या बचा? 3, 5, 0, -1। ये दिमाग में रखना आपको, बच्चे गलतियां इसमें 100% करते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अभी देखिए कितना बचा यहाँ पे, 3, 0, 5, -1। समझ में आया? अभी देखिए डेट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की साइन है। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.1 के अंदर पूरी तरह से बता चुका हूँ। समझ में आया? अभी देखिए M11 कैसे निकालेंगे, 3 × -1। अब ये देखिए डिटर्मिनेंट का भी प्रोसीजर यहीं पे कंप्लीट होता है, अगर यही प्रोसीजर डिटर्मिनेंट के अंदर भी आने वाला है, ठीक है? 3 × -1, माइनस ऑलरेडी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 × 0। ओके, अभी देखिए क्या आ गया यहाँ पे, -3, -5, क्या आ गया यहाँ पे, -8। M11 कितना मिल गया हमारा, -8। अब M11 जैसे ही मिला यहाँ पे को फैक्टर भी आप निकाल लीजिए। क्यों निकालने बोल रहा हूँ, क्योंकि एक साथ अगर को फैक्टर निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाला है। तो M11 के बाद को फैक्टर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, A11 इज इक्वल टू -1। ये हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी देखे थे, 1, 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इनटू कितना आया, M11। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद इससे नेक्स्ट स्टेप में A11 इज इक्वल टू, यहाँ -1 है जो स्क्वायर या पावर जो क्या है, 2 में, डेट इज कॉल डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे, अगर वो कैंसिल हो गया पूरी तरह से तो क्या आ गया, यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला कैसे आएगा, प्लस में आएगा। 1 × M11 कितना है, -8, क्या आ गया हमारा को फैक्टर ऑफ A11। अब ये जो कैपिटल की वैल्यू है, जो यहाँ पे A जो है अगर वो कैपिटल में, डेट इज कॉल को फैक्टर, यहाँ पे कितना आ गया, A11 का को फैक्टर कितना है, -8। समझ में आया? अब देखिए M12 की बात करूंगा मैं, सेम प्रोसीजर वही करने वाले हम लोग। M12 क्या है, ये है इसके नीचे जाने वाला पूरा एलिमेंट, क्योंकि इसके टॉप में तो है नहीं। अभी देखिए लेफ्ट में भी जाएगा, राइट में जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में इसके एलिमेंट्स है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखिए M11 की बात, M12 की बात हो रही है, ये नीचे जाएगा, मिस क्या है, इसके एलिमेंट तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं। अब इधर जाएगा और इधर जाएगा, मिस ये भी एलिमेंट कैंसिल हुआ, ये भी एलिमेंट कैंसिल हुआ, ये पूरे एलिमेंट्स कैंसिल हुए, तो बचे क्या, ये रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग ये बचा और ये बचा और ये बचा, ये ध्यान में रखना आपको। तो अभी देखिए क्या बचा, -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे क्या बचा, 5, यहाँ पे क्या बचा, -1। समझ में आया? अभी देखिए सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, -2 × -1, ये आने वाला है माइनस बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मीन्स यहाँ पे पहला प्लस आता है फिर माइनस आएगा, अल्टरनेट वैल्यू लगती है यहाँ पे, जो साइन लगती है अल्टरनेट, यहाँ पे फिर क्या आया, -2 × 5। ओके, उसके बाद देखिए ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस, ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस, 5 × 2 = 10, कितना आया इसका, M12 कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। समझ में आया? अभी देखिए 12 जब आ गया, अभी इसका सेम प्रोसीजर क्या करेंगे, A12 करेंगे। ये क्वेश्चन अगर एक बार आप समझ गए, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि ये आपको मैक्सिमम एग्जाम के अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है,
और इसी टाइप का क्वेश्चन भी आपको JEE एडवांस जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वही पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम जितने भी है और इंजीनियरिंग लाइन के भी यही आपको पूछा जाता है। समझ में आया? ये अगर आप समझे एडजॉइंट मेथड जो है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एडजॉइंट मेथड समझ में आया, इनवर्स का मेथड समझ में आ जाएगा। देखिए एक दूसरे से लिंक चैन जुड़ी हुई है, क्योंकि ये चीज समझेगा तो ही अनदर चीज समझेगा। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो ही ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर रो और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको मैं पूरी तरह से बताया हूं। समझ में आया? अब A12 क्या करेंगे, A12 का मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ -1 3, 3 कहां से आया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एम, यहां पे और क्या करूंगा M12। ओके उसके आगे मैं यहां पे लिख रहा हूं -1, देखिए क्यूब है तो क्या आएगा -1 इंटू M12 की वैल्यू क्या है 12, कितना आ गया -12, मीन्स A12 की वैल्यू क्या आ गई -12 आ गई। समझ में आया? अभी देखिए M12 हो गया, M11 M12 हो गया, अभी क्या बचा M13। सेम आपको वही रूल अप्लाई करने का है। M13 क्या है, देखिए यहां पे तो एलिमेंट्स है नहीं, नीचे जाएगा, यहां पे नीचे आया मीन्स ये वाले पूरे एलिमेंट्स को खत्म कर दिया उसने। अब इसके राइट में नहीं है, इसके लेफ्ट में, देखिए ये वाला था राइट में, इसके लेफ्ट में नहीं था। जितने साइड में एलिमेंट हमेशा वो स्ट्रेट में ही भागेगा, ऐसा नहीं कि क्रॉस में जाएगा, यहाँ क्रॉस में ऐसा क्रॉस नहीं जाएगा, स्ट्रेट नीचे आया, यहाँ पे गया पूरी तरह से। क्या बचा देखिए, यहाँ पे गया तो पूरा एलिमेंट कैंसिल किया, यहाँ गया तो पूरा एलिमेंट कैंसिल किया, बचा गया -2 -2 3 0, ये बचा हमारे पास, क्या बचा -2 3 -2 0। समझ में आया? तो अभी M13 का क्या करेंगे, -2 × 0, फिर यहाँ पे माइनस बाय डिफॉल्ट, उसके बाद क्या करेंगे -2 × 3। समझ में आया? अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया पूरा, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, ये कितना हो गया 3 × 2 = 6, कितना आ गई वैल्यू 6 आ गई। M13 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ पे A13 अब डायरेक्टली मैं लिखूंगा यहाँ पे A13, यहाँ पे कितना देखिए A13 मीन्स 3 और कितना हो गया 1 4, -1 raised to 4, ओके इंटू M13 इज इक्वल टू क्या हो गया -1 raised to 4, क्या मतलब 1 आ गया, M13 की वैल्यू कितनी है 6, डेट इज कॉल्ड 6, को फैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, A13 भी हो गया हमारा, अभी क्या बचा A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, लॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमको एवरी एलिमेंट्स का निकालना है, एवरी एलिमेंट्स मीन्स 9 एलिमेंट्स का पूरा निकालना है, माइनर भी निकालना है को फैक्टर भी निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके आपको, जब भी आप माइनर निकालेंगे वो थोड़ा ध्यान देंगे आप, क्योंकि देखिए अगर आपने यहाँ पे कोई पार्ट हाइड करने का है, आपने हाइड नहीं किया वो एलिमेंट्स को भी काउंट कर लिया, तो आप माइनर में गलती आ जाएगी, और माइनर में अगर एक बार रॉन्ग हुआ तो 100% को फैक्टर में तो रॉन्ग आने ही वाला है। समझ में आया? A13 हो गया, अभी क्या बचा यहाँ पे M21, क्योंकि अभी देखिए A13 के बाद क्या आया M21 आया। क्या करूंगा इसको, सेम वही प्रोसीजर से जाने वाला, कुछ भी आपको नया नहीं करने का है। M21 अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे M21 है, यहाँ पे क्या बोला मैंने आपको, टॉप में जाना है और हॉरिजॉन्टल में जाना है, मीन्स एक वर्टिकल लाइन जाना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एंगल में नहीं जाएगा, पूरा वर्टिकल ही जाएगा, पूरा हॉरिजॉन्टल ही जाएगा। A21 की बात करेगा, यहाँ तो एलिमेंट्स है नहीं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है, तो यहाँ पे पूरा ये कैसा जाएगा A21 ऐसा जाएगा। समझ में आया? अभी देखिए A21 ऐसा गया, अभी देखिए टॉप में और नीचे दोनों है तो ऊपर नीचे दोनों जाएगा। समझ में आया? तो देखिए ये चले गया और ये चले गया, बचा कौन सा फिर, ये पूरा एलिमेंट्स कैंसिल हुआ, ये पूरा एलिमेंट्स कैंसिल हुआ, क्या बचा A12 A13 A32 A33। समझ में आया? तो A12 क्या है -1 है, A13 क्या है 2 है, A32 क्या है 0 है, A33 क्या है -1। यहाँ से ना लिखने के बजाय आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये कंपेरिजन में लिखने का रीजन यही रहता है कि आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। समझ में आया? तो A12 क्या है -1 है, A13 क्या है 2 है, A32 क्या है 0 है, A33 क्या है -1 है। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली कीजिए, -1 -1 प्लस हो गया 1 आ गया, मल्टीप्लाई के साथ -2 × 0 हो गया, कितना आया हमारा 1 आ गया, डेट इज कॉल M21 कितना आया 1 आया। अब देखिए स्मार्ट वर्क धीरे धीरे हम लोग करना चालू कर दिए, क्यों चालू किए, क्योंकि ये फास्ट करना है आपको, ये क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 3 मिनट में आपका ये आंसर फाइंड आउट होना ही चाहिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, M21 के बाद क्या करेंगे A21 -1 2 1 3 हो गया इंटू M21 की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिखूंगा 1, यहाँ पे हमारी आंसर कितना आ गया -1, A21 कितना निकल गया -1 निकल गया। सेम प्रोसीजर से आपको जाने का है यहाँ पे M22, क्या जाने का है M22 जाएंगे तो क्या होगा, अभी देखिए M22 क्या है, सेम प्रोसीजर M22 कैसा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मीन्स यहाँ पे ये पूरा एलिमेंट्स कट होने वाले हैं,
उसके बाद A22 के लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, ये पूरे एलिमेंट्स कट होने वाले हैं। तो बचे क्या रिमेनिंग पार्ट्स, A11 बचा, A31 बचा, ये तो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये एंगल के पोजीशन पे, और एंगल के पोजीशन पे कभी भी एलिमेंट्स कट नहीं होते हैं मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है। A11 बचा, A31 बचा, ये पूरा कट हो गया, मिस क्या बचा, A13 बचा, A33 बचा। तो A11 कितना है, 1, A31 कितना है, -2, A13 कितना है, 2 है, A33 कितना है, -1 है, समझ में आया। ये बहुत ही ध्यान से करना, बहुत ही केयर से करना आपको, ये अगर वैल्यू चेंजेस हुई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, को फैक्टर की वैल्यू 100% चेंजेस होगी, और एग्जामिनर माइनर नहीं चेक करेगा, आपका को फैक्टर की वैल्यू चेक करेगा, क्योंकि को अगर माइनर आप गलती किए होंगे तो 100% को फैक्टर में रॉन्ग आने वाला है, इसलिए एग्जामिनर बहुत ही केयर से वही चीज चेक करता है जो उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे, -1 यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस 2 * 2 क्या आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, -1 + 4, 2 * 2 = 4 कितना आ गया, 3 आ गया, मिस M22 कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे A22 कितना आएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा अभी, -1 * 4 * कितना आया, M22 कितना है, 3, ओके। यहाँ पे आप देखिए 4 का 1 आ जाएगा तो 1 * 3 कितना आया, 3 आया, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ A22। अब हमारा रिमेनिंग पार्ट कितने बचा, 1 2 3 4 5 हम लोग निकाल चुके हैं, अभी 4 बचा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो मैं आपको बता सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, A22 निकल गया, अभी क्या निकालना है आपको, M23 निकलेगा तभी A23 निकलेगा। M23 की बात करूंगा अभी मैं, सेम प्रोसीजर आपको डिटर्मिनेंट यहाँ पे सॉल्व करने का। A23 मीन्स यहाँ पे स्मॉल A23 की बात करो, ये हो गया, अभी ये प्रोसीजर पूरा छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, क्या बचा हमारा, 1 बचा, -1 बचा, -2 और 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे 1 - 1 - 2 और 0, डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 * 0 हो गया, माइनस बाय डिफॉल्ट -1 * -2, ओके। अभी क्या हुआ यहाँ पे, 1 * 0 = 0, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया तो -2, ओके, क्योंकि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है। क्या बचा यहाँ पे हमारा, -2 बचा, मीन्स M23 कितना आया, -2 आया। सेम A23 कितना आने वाला है, -1, और 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे एक स्टेप रिड्यूस कर रहा हूँ, M23, ओके। यहाँ पे -1 * 5 मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, -1 * M23 कितना है, -2, डेट इज 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। A23 कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23 यहां तक निकल चुका हमारा, अभी क्या बचा, A31, A32, A33। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर ले रहे हैं तो आपको इजी ही लगने वाला है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2 100% है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एवरी क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आने वाले हैं, ठीक है। तो A23 हो गया, अभी क्या आया, M31 पे प्रोसीजर पे जाने वाले हम लोग, समझ में आया। M31 क्या, ये है, तो ये जाएगा और ये जाएगा, बचा क्या हमारा, ये पूरा कैंसिल होगा एलिमेंट्स, ये कैंसिल होगा, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि लाइन जो भी एलिमेंट्स की बात करूंगा वो एलिमेंट्स के स्ट्रेट में और हॉरिजॉन्टल में, यही दो लाइन जाने वाली है। जितना भी एलिमेंट्स उसके वर्टिकल में आ रहे हैं वो सब एलिमेंट्स कट होंगे, हॉरिजॉन्टल में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है कि इधर ही के एलिमेंट्स कैंसिल हो गए, इधर अगर एलिमेंट्स है तो वो भी कैंसिल हो गए, नीचे अगर इसके एलिमेंट्स है तो ये भी कैंसिल हो गए, लेकिन स्ट्रेट वे में ही जाने वाले हैं, कोई भी एंगल पे लाइन नहीं जाने वाला एलिमेंट्स के, समझ में आया। M31 का हुआ तो अभी क्या बचे यहाँ पे, -1 * 3 * 2 * 5, कैसे, क्योंकि यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, क्या बचा, -1 * 3 * 2 * 5 बचा। अभी क्या हुआ इसका, -5 हो गया, -6 हो गया, कितना आया, -11। अब ये आप लोग कैसे सॉल्व किया मैंने, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी देखिए A31 कितना आ जाएगा, A31 कितना है, -1। अभी देखिए सॉल्व कैसे हुआ है, 5 * -1 डेट इज कॉल्ड -5। अब 3 * 2 = 6 हो गया, बीच में बाई डिफॉल्ट माइनस लगे गए, तो कितना आ गया, -5 - 6 डेट इज कॉल्ड -11। कितना आया इसका, 4 कैसे आया, 3 + 1 डेट इज कॉल्ड 4 * -11। -11 कैसे आया, डेट इज कॉल्ड M31। कितना आ गया अभी ये, 1 आया, 1 * -11 कितना आया, -11। अब ये 1 कैसे आया, क्योंकि पावर यहाँ पे * 4 है, और जब भी इवन नंबर पावर में रहेगा तो ये जो माइनस में है वो प्लस में आने वाला है, ये मैं आपको लॉजिक के बेसिस पे बता चुका हूँ, ठीक है। अब M32 दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द माइनर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट मीन्स लास्ट, सेकंड लास्ट है जो क्योंकि इसके बाद हमारा M33 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट है, ये ऊपर कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, बचा क्या हमारा, 1 - 2 * 2 - 5। देखिए ये पूरा कैंसिल होने वाला है और क्या होगा, ये पूरा कैंसिल होने वाला है ये एलिमेंट्स का, तो क्या बचा हमारा, ये पूरा कैंसिल हो गया और ये पूरा, तो क्या बचा, 1 - 2 * 2 और 5 बचा, 1 - 2 * 2 और 5,
समझ में आया। अभी क्या हो गया, ये फाइव, ये माइनस, और यहाँ पे माइनस एक रहता ऑलरेडी, प्लस हो गया, टू टू या फोर कितना आ गया, दैट इज कॉल्ड नाइन। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ए थर्टी टू कितना आ जाएगा, ए थर्टी टू माइनस वन रेस टू फाइव इन टू एम थर्टी टू कितना आ गया, माइनस वन रेस टू फाइव है, डेट इज कॉल माइनस वन बिकॉज दैट इज पावर इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो माइनस वन का माइनस वन में ही आएगा, इन टू एम थर्टी टू कितना है, नाइन, दैट इज फाइनल आंसर इज माइनस नाइन। अभी कितना आ गया, एम थर्टी थ्री की बात करेंगे, अभी एम थर्टी थ्री आया तो कितना आया, अब देखिए एम थर्टी थ्री की बात करूंगा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, मीन्स ये पूरा एलिमेंट जाने वाला है और यहाँ के पूरा एलिमेंट जाने वाले, तो क्या बचा हमारा, वन माइनस टू माइनस वन और थ्री। देखिए एवरी एलिमेंट्स में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वन माइनस टू माइनस वन थ्री, अभी क्या आ गया, थ्री माइनस टू, टू क्यों डायरेक्टली आया, क्योंकि ये माइनस मिलके प्लस हो गया और यहाँ पे बाई डिफॉल्ट माइनस है, तो कितना आया, वन आया, तो ए थर्टी थ्री डेट इज कॉल्ड ए, अगर यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ मीन्स को फैक्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो को फैक्टर कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली वन इंटू वन डेट इज कॉल्ड वन। अब ये वन कैसे आया, देखिए माइनस वन था, माइनस वन रेस टू सिक्स था, तो वो से रेस टू सिक्स जो था वो हमारा प्लस में हो गया, वन इंटू वन, और ये वन हो गया, डेट इज वन, और ये डायरेक्टली आपको एंट्रेंस एग्जाम में लिखने का है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स है, मीन्स एलिमेंट्स का को फैक्टर निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर टू में आने वाला है, आपको क्या बोलेगा, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बोलेगा, क्या बोलेगा, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको लिखना क्या रहेगा, ए इलेवन ए ट्वेल्व ए थर्टीन, ध्यान दीजिए मैं यही क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी डायरेक्ट बता रहा हूँ, ए ट्वेंटी वन ए ट्वेंटी टू ए ट्वेंटी टू ए ट्वेंटी थ्री, यहाँ पे कितना आ गया, ए थर्टी वन ए थर्टी टू ए थर्टी थ्री, समझ में आया, यही वैल्यू आपको अगर आप मैट्रिक्स में लिखते हैं पूरा, डेट इज कॉल्ड को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, यही क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोल रहा है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन के बाद, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर टू, जो क्वेश्चन नंबर टू क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द को फैक्टर फॉर द फॉलोइंग मैट्राइसेस। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था क्या था, फाइंड द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया है, और घुमाने का रीजन क्या है, वो आपको थोड़ा सा लॉजिक में लेके आ रहा है, लॉजिक में क्या लेके आ रहा है, आपको कन्फ्यूजन करेगा, कन्फ्यूज करेगा, कन्फ्यूज क्यों करेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे माइनर निकालने, यहाँ पे कंपेयर करने का है, कंपेरिजन आप करेंगे, कंपेयर विथ किससे करेंगे, कंपेयर विथ, सेम प्रोसीजर से आप कंपेयर करेंगे, ए इलेवन ए ट्वेल्व ए ट्वेंटी वन ए ट्वेंटी टू, ओके, यहाँ पे आपको लाइन से जाने का है, ऐसा नहीं है कि ए ट्वेंटी वन ए ट्वेंटी टू से डायरेक्टली आप ए थर्टी वन ए थर्टी टू, जब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, समझ में आया। ए इलेवन कितना आया यहाँ पे, ए इलेवन वन ए ट्वेल्व कितना आया, थ्री, ए ट्वेंटी वन कितना आया, फोर, ए ट्वेंटी टू कितना आया, माइनस वन, समझ में आया। अभी देखिए उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनर निकालेंगे, तो माइनर आपको मालूम ही है, एम इलेवन का इसका अपोजिट डायरेक्टली हम लोग देखते हैं माइनस वन, एम ट्वेल्व देखते हैं यहाँ पे, एम ट्वेल्व का भी अपोजिट क्या है, ट्वेल्व ये है, ट्वेल्व का अपोजिट क्या है, फोर, ओके, एम थर्टीन नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारा से नेक्स्ट एलिमेंट तो है नहीं, एम ट्वेंटी वन देखेंगे, एम ट्वेंटी वन के अपोजिट में क्या है, थ्री। अभी देखिए एम ट्वेंटी टू क्या है यहाँ पे, एम ट्वेंटी टू के अपोजिट में क्या है, ये है, वन है। सेम हमारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, को फैक्टर निकल जाएगा, को फैक्टर तो चाहे थ्री बाई थ्री हो या टू बाई टू हो, सेम प्रोसीजर से जाने हैं आपको, ठीक है, माइनस वन टू इंटू एम इलेवन की वैल्यू देखेंगे, माइनस वन कितना आ गया, माइनस वन आ गया, माइनस वन कैसे आया ये मैं आपको दो क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस दो क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। ए ट्वेल्व देखेंगे, ए ट्वेल्व कैसा हो गया, माइनस वन रेस टू थ्री, माइनस वन रेस टू थ्री इंटू ए ट्वेल्व मीन्स एम ट्वेल्व, फोर कितना आ गया यहाँ पे, माइनस फोर, ओके। अब देखिए ए ट्वेंटी वन कितना आया, माइनस वन रेस टू थ्री, थ्री कैसे है, यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि वन प्लस टू करो तो भी थ्री आता है, टू प्लस वन करो तो भी थ्री आता है, समझ में आया। इन टू एट एम ट्वेंटी वन की वैल्यू कितनी है, एम ट्वेंटी वन की वैल्यू थ्री, कितना आ गया अभी ये, माइनस थ्री, समझ में आया। ए ट्वेंटी टू क्या है, माइनस वन रेस टू फोर इन टू एम ट्वेंटी टू की वैल्यू कितना है, वन, डेट इज कॉल्ड वन, ठीक है। यहां तक हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी कर रहे थे, लेकिन एक चीज चेंजेस क्या किया यहाँ पे, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालने बोला, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन के लास्ट टॉपिक पे थोड़ा सा मैं बता चुका हूं आपको। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, जितना भी आपका ये प्रोसीजर लिखे सेम आपको यहाँ पे लिखने का है, यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, यहाँ पे कैपिटल में लिखने का, ए इलेवन ए ट्वेल्व ए ट्वेंटी वन ए ट्वेंटी टू, सेम वही लिखने का, कुछ भी चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ।
आप डायरेक्टली यही वैल्यू आपको A11 जो जो आपने वैल्यू निकाला है वही पुटअप कर देने का। A11 कितना निकाला आपने? -1। A12 कितना निकाला आपने? -4। ओके, A21 कितना निकाला आपने? -3। A22 कितना निकाला आपने? 1। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। यही प्रोसीजर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में भी आपको फॉलो करने का है। जो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट सेकंड का यहाँ पे फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा करना क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा इसका सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, 1 0 2 -2 1 3 0 3 -5। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा था, सेम यहाँ पे 3 × 3 का लिखा हुआ है। आप सेम क्या करेंगे, पहले आप M11 निकालेंगे, सेम इसका कंपेरिजन करेंगे, M11 8 और यहाँ पे कोफैक्टर सेम प्रोसीजर से यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको ऐड क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अभी देखिए यहाँ पे आपने कंपेरिजन 100% किया होगा। जैसे यहाँ पे कंपेरिजन हम लोग यहाँ पे 2 by 2 का किए, तो क्या कंपेरिजन किए होंगे यहाँ पे, आपने क्या किया होगा, A11 A12 A13 A21 A22 और क्या किया आपने, A23। इसके बाद क्या किया, A31 A32 और A33 आपने यही कंपेरिजन किया होगा। बस यहाँ पे सिस्टम ये है कि आपने स्मॉल में किया था, ठीक है। अभी देखिए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ 100% वैल्यू आई होगी जो आप जब आप निकाले होंगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, वही वैल्यू आपको यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं आप, मैं उसको आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको राइट सॉल्यूशन दूं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। यहाँ पे क्या ले गया, यहाँ पे मैट्राइसेस। ओके, यहाँ पे आपको क्या करने का है कि आपको निकालना क्या है, एडजॉइंट निकालने का है। दैट इज मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द मैट्राइसेस। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये एवरी मैट्राइसेस के अंदर जितने भी आपको मैट्राइसेस के चैप्टर जो भी क्लास के अंदर मिलने वाले हैं, चाहे वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर हो या फिर क्या बोलते हैं आपको यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर आपको भी मिल सकता है, तो वहाँ पे भी आपको एडजॉइंट 100% मिलेगा, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो एडजॉइंट का पार्ट है, एडजॉइंट अगर आपको समझने का है तो कोफैक्टर 100% समझना आपको जरूरी है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स भी 100% समझना आपको जरूरी है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो थोड़ा लॉन्ग हुआ है, वो इसी के वास्ते मैंने लिया था, इसी बेसिस पे लिया था कि एडजॉइंट आपको समझ में आया, समझ में आया। अभी देखिए एडजॉइंट का जब कॉन्सेप्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इनवर्स का भी एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन ऑफ इनवर्स की बात करेंगे, किसका इनवर्स आपको जब भी निकालना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए इनवर्स की बात करूंगा मैं, ए इनवर्स आपको निकालने का है, तो ए इनवर्स निकालने का यहाँ पे जो हमारा मेथड है वो 2 टाइप का, ये अभी से आप याद रख लेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स का पार्ट, वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। यही 2 टाइप से आप इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। एग्जाम के अंदर आपको ये 2 टाइप में से कभी कभार सजेस्ट करेगा कि यही 2 टाइप में से कोई एक टाइप। फॉर एग्जाम्पल ए इनवर्स आप निकाल सकते बाय एडजॉइन मेथड। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला मैंने, बाय एडजॉइन मेथड। ओके, पहला यहाँ पे मेथड हो गया। दूसरा क्या है, बाय रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स रो का तो हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया कि रो हम चेंजेस कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जब निकालने बोलेगा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/A determinant × adjoint of A। मीन्स क्या पता चला, ए इनवर्स आप जब को निकालने का आपको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना मस्ट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के साथ साथ एडजॉइंट ऑफ निकालना पड़ेगा। मीन्स क्या पता चला, ये दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट मेथड, समझ में आया। सेकंड क्या है, बाय रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम के अंदर जब भी ए इनवर्स निकालने बोलता है तो कभी कभार वो सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे क्या सजेस्ट करेगा, फाइंड द ए इनवर्स बाय द एडजॉइंट मेथड, ये आपको बोलेगा। अगर एडजॉइन मेथड आप इससे भी करेंगे तो भी आपका राइट आंसर आने वाला, 100% राइट आंसर आएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ये सजेस्ट किया, ये एडवाइस ये किया है कि आपको इससे निकालना, आप इससे निकालते तो आपके मार्क्स आपको 0 मिलने वाले हैं। 0 मीन्स पूरी तरह 0, एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और आपको इससे बोलता है इससे निकालेंगे, आपका आंसर राइट आने वाला है, लेकिन जिससे बोला उससे मेथड से अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स पूरे कट हो जाएंगे, समझ में आया। तो ये 2 मेथड है, इसका क्या करेंगे, रो ये कैसा करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई।
अब स्टूडेंट्स ये दोनों मेथड मैं जब भी आपको इनवर्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको बताने वाले 100% कि ये सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। आप पहले एडजॉइंट निकालने सीख लेंगे, एडजॉइंट निकालने सीखे तो ए इनवर्स का मेथड हमारा पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी मैंने आपको बता चुका है, 2/2 का बताया है, 3/3 का टाइम आने पर वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, समझ में आया। देखिए अभी ये प्रोसीजर यहाँ पे आपको सेम करने का है, करना क्या आपको, जो अभी तक हम लोग m11 माइनर जितना भी निकाले हैं और को फैक्टर जितना भी निकाले सेम निकाले, m11 कितना हो गया 5, m12 कितना हो गया यहाँ पे 3, m21 कितना हो गया यहाँ पे -3, m22 कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा कौन से प्रोसीजर से हम लोग निकाले थे। अब a11 की बात करूंगा, a11 की जैसे मैं बात की यहाँ पे क्या हो गया -1:2 इंटू कितना आ गया a11, m11 कितना यहाँ पे 5, कितना हो गया हमारा आंसर 5 हो गया, समझ में आया। अब a12 की बात करूंगा, a12 क्या है यहाँ पे, a12 देखिए यहाँ पे कितना है, m12 से बात करूंगा यहाँ पे, a12 यहाँ पे कितना -1 का -1 ही आएगा (3), दैट इज कॉल्ड -3, समझ में आया। a21 कितना है यहाँ पे, a21 -1 ही आएगा, उसके बाद ये कितना है a21 कितना है m21 -3, दैट इज कॉल्ड 3 आएगा, समझ में आया। a21 के बाद क्या आया हमारे यहाँ पे, a22 आया, क्या आया a22 का क्या है यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 5, क्या हो गया 5 आ गया। यहां तक तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, अब मैं इंपॉर्टेंट है को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसा लिख रहे थे अभी हम लोग, a11 a12 आपको जितना भी यहाँ पे कंपेरिजन किए सेम आपको टाइम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे स्मॉल में लिखा था यहाँ पे कैपिटल में लिखने का, a21 a22 समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्या हमारा यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पे 5 -3, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे 3, ये क्या है 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, आपको ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये मैं रब करने वाला हूँ आपका, ये ध्यान देंगे आप, उसके बाद क्या करना है आपको ये ध्यान देंगे, यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडजॉइंट मेथड सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है यहीं से आपको समझ में आने वाला है एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमारा जो लेट की है वो ए की है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे को फैक्टर निकल रहा है, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स जो भी निकलना उसको आपको ट्रांसपोज करने का है, ट्रांसपोज मीन्स एक पॉइंट पकड़ के रखेंगे, एक पॉइंट मीन्स यहाँ पे पहला पॉइंट A11 पकड़ के रखेंगे। देखिए A11 मान लीजिए ये A11 है ये 12 है, अब इसको मेरे को ट्रांसपोज करना है तो ये ऐसे नीचे आने वाला है, समझ में आया। फॉर एग्जांपल इसकी बात करूंगा, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है A11 है, यहाँ पे A12 है, अब इसको मेरे को ट्रांसपोज करना है, मीन्स मेरे को इसको क्लॉकवाइज में घुमाना है। अब क्लॉकवाइज में घुमाया मीन्स क्या पता चला, ये पॉइंट अपनी जगह पे लेकिन ये पॉइंट नीचे जा रहा है, समझ में आया क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन सेम प्रोसीजर ये जो वर्टिकल में है ये ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, ये चेंज होगा। अभी देखिए कैसा होने वाला है, ध्यान दीजिए A11 है जो अपनी जगह पे रहने वाला है, A11 की वैल्यू क्या है 5, अब ये -3 क्या बोला मैंने ऐसा प्रोसीजर है, ये चेंज हो जाएगा मीन्स क्या हो जाएगा -3 इसकी जगह पे आएगा। अब एक स्पेस पे दो एलिमेंट्स 100% नहीं रुकने वाले, मीन्स ये जंप करेगा इसकी जगह पे, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ 5। अब यहाँ पे क्या आ गया -3 की जगह क्या आएगा 3, यहाँ पे कितना आया -3, यहाँ पे कितना आया 5 की जगह एज इट इज 5 रहने वाला है, समझ में आया। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 2/2 का, सेम हमारा अगर मान लीजिए 3/3 का आया, क्या आया को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आया। ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है इसी बेसिस पे है, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे a11 a12 a13 a21 a22 a23, क्या हो जाएगा यहाँ पे a31 a32 a33, ओके यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। अभी ध्यान देंगे यहाँ पे आपको करना क्या है, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, 3/3 मीन्स 3 नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3 रहा, तो ये आपको सेम ये को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ तक तो आपको सेम एजिट इज निकालने का है, कैसा को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे, मीन्स आपने को फैक्टर यहाँ पे जो यहाँ पे आपको को फैक्टर ऑफ एलिमेंट जो निकाले वही करने का है, सिर्फ को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे एक नया वर्ड दे दिया, नया टर्मिनोलॉजी दे दिया, वही आपको ऐड करने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जब मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। अभी देखिए आपको करना क्या, मैंने क्या बोला, जो भी आपको फैक्टर निकालेंगे उसका आपको ट्रांसपोज करने, उसको आपको टिल्ट करने का, घुमा के रखने का 90 डिग्री पे, क्लॉकवाइज घुमाने का है, ठीक है। यहाँ पे 2/2 का आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपका a12 जो है वो a21 की जगह आ जाएगा, a21 जो है देखिए इसका रिप्लेसमेंट होगा, ये ध्यान में रख लेंगे डायरेक्टली आप, ठीक है। अभी देखिए a11 अपनी जगह पे रहने वाला है, उसके बाद क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इसको डिफ्लेक्ट करेगा, मीन्स क्या है a11 है ये, ए मान लीजिए a11 है a12 है a13 है, ये क्या है ये घूमेगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ये नीचे आने वाला है, तो ये जो a11 है मान लीजिए ये a11 a12 a13
ये जो घूमेगा तो ये पॉइंट तो अपनी जगह पे रहेगा, तो ये पॉइंट जब अपनी जगह पे आएगा तो ये पूरा 90 डिग्री पे आएगा। मीन्स क्या है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, ये वाला जो टर्म है ऊपर की लाइन जो है वो कैसी आएगी, ऐसी हो जाएगी, समझ में आया। और ये वाली जो लाइन है अभी नीचे थी तो ये ऊपर भागेगी, समझ में आया क्या बोल रहे हो। तो अभी हमारा नंबर यहाँ पे क्या नंबरिंग हो जाएगा, ध्यान दीजिए, A11 हो जाएगा, और यहाँ 12 की जगह क्या आएगा, 21, क्योंकि ये रिप्लेस हो रहा है इसकी जगह पे, A21 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A31 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, A12 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A13 आ जाएगा। इतना तो रिप्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। अभी देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे A22 कैसा मिडल में है, तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता। A33 भी, ये भी डायगोनल, ये भी चेंज, देखिए डायगोनल कभी भी चेंज इसमें नहीं होगा जब भी एडजॉइंट आप निकाल रहे हैं। ठीक है, A32 का रिप्लेसमेंट होगा, A32 का A23 से रिप्लेसमेंट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A32 और यहाँ पे A23, समझ में आया। अभी देखिए, नहीं समझे तो फिर से देखिए, ये जो हमारा स्टेट है वो चेंज होगा, A11 अपने पोजिशन पर रहने वाला है, 12 की जगह क्या आ गया, 21 आ गया, मिस ये रिप्लेस हुआ। देखिए ये जो था, ये जो हमारा रिप्लेसमेंट ऐसा ऐसा हो गया, मिस 21 इसकी जगह आ गया, ये 31 इसकी जगह। अब ये दोनों तो भी अपनी जगह से जंप करेंगे, तो ये इन लोग की जगह स्पेस ले लेंगे। A22 डायगोनल सेम एज इट इज, आप डायगोनल पहले ही एज इट इज लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद A23 की जगह A32 और A32 की जगह A23 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखेंगे आप कि एलिमेंट निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा निकालने का है, और जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट निकालने के बाद ए इनवर्स निकालना कितना इजी है बाय द एडजॉइंट मेथड से, अगर आपको ए इनवर्स निकालने का है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर हमारा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ये आपको फ्यूचर में भी बहुत ही बेनिफिट लेने वाला है, बहुत ही आपको एडवांटेज देने वाला है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि वो ऐसे वीडियोज़ को यूज़ करके इंटरेस्टिंग पढ़ाई करने में उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।